आपकी एक बिजनेस है जिसको आप ग्रो करना चाहते हो, या आपके यूट्यूब चैनल है, या कोई पेज है, वेब पेज है जिसको आप एप्लीकेशन के अंदर लाना चाहते हो, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, एंड्रॉयड या iOS की एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो आपको कोडिंग सीखना पड़ता है, फिर आप अपनी एप्लीकेशन खुद बना सकते हो, या तो फिर कोई कंपनी से, ऑफिस से आप इसे ले सकते हो, बनवा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन ये अभी ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशन बना सकते हो। वीडियो में ये हम जानेंगे कि एप्लीकेशन के लिए आपको क्या ज़रूरत होने वाली है, कितनी चार्जेस लगेगी, और आपको कितने वक्त के अंदर ये एप्लीकेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिस एप्लीकेशन के मदद से आप खुद के एप्लीकेशन भी बना सकते हो। आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पैसे देने होते हैं, जैसे कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेते हो, कोई टेक्निकल कंपनी से लेते हो, या फिर कोई कोडिंग कंपनी से, जैसे कि TCS हो गया, विप्रो हो गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेके छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाते हैं लोकल मार्केट के लिए। तो आप चाहे तो इसे ब्रॉडली यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो चार्जेस है वो मंथली एनुअली पे करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे मर्चेंट से भी लेते हो तो वहाँ पे भी आपको पैसे देने होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, उसको पे करना पड़ता है, ताकि आपकी एप्लीकेशन अच्छी तरह चल सके, आपके हिसाब से चल सके और अपडेट रहे। आपकी जो फी है, आप कोई भी अपडेट करना चाहते हो, इस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। आप यहाँ पे वही एप्लीकेशन के अंदर आपके नए एप्लीकेशन को अपडेट भी करवा सकते हो, थीम कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के अंदर इसके बारे में देखते हैं। मैं इस वीडियो में उस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। पहले क्या होता था, एक एप्लीकेशन के लिए बड़ी मशक्क़त करनी होती थी, लेकिन अभी ये आसानी से मिल जा रहा है। आप प्ले स्टोर से या कोई भी वेब पेज से ये सर्विस अवेलेबल करवा सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक आपकी रेफरेंस दूंगा, लेकिन आप चाहे तो कोई सारे ऐप्स अभी प्ले स्टोर या iOS स्टोर में अवेलेबल है, या तो फिर आप वेब में जाके सर्च कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इस एप्लीकेशन से कोई एडवर्टाइजमेंट्स की स्पॉन्सर्स नहीं मिली है मुझे, तो आप बेशक कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। हाँ दोस्तों, एक मजाक भी कर लेता हूँ कि ये जो तिलक देख के आपको कुछ शक लग रहा होगा, ऐसे में हिंदुत्व वाली एजेंडा नहीं लेता हूँ, मुझे हिंदुत्व वाली एजेंडा में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं हिंदुइज्म प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरी घर में एक पूजा थी जिसके वजह से ये तिलक लगानी पड़ी। तो आप चाहे तो मेरी दूसरी चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है पूजा की, तो चाहे तो आप वहाँ पे देख सकते हो। वो मेरा ब्लॉग चैनल जैसा है, लेकिन ब्लॉग चैनल नहीं है, वहाँ पे मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, ऐसे कोई सारे वीडियोज़ में सिर्फ डाल देता हूँ। तो चलिए मेन वीडियो के अंदर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने फ़ोन के अंदर हैं। यहाँ पर आप प्ले स्टोर के अंदर चले जाइए, यहाँ पे आप ऐप बिल्डर करके कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। मेरे पास ये वाला एप्लीकेशन है, मैंने इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ उसे ओपन करके। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चैनल के लिए एक एप्लीकेशन बना कर रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे कोई पेमेंट्स नहीं किए हैं, तो यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन नहीं मिला है। यहाँ पे इस एप्लीकेशन के मदद से मैं बहुत सारे कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैनेजर एडिट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो यहाँ पे नई ऐप बनाना, तो यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक कर लीजिए, स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप अपने ऐप की नाम दे दीजिए, कि मैंने ये वाला दे दिया है, इसे आप सिंपली सेंड कर दीजिए। यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि बिजनेस, म्यूजिशियंस, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, रेस्टोरेंट, एजुकेशन, वर्शिप, ट्रैवल एंड अदर। यहाँ पे आपके हिसाब से आप उसे चूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी इंफॉर्मेटिव चैनल है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की, तो मैं इन्फॉर्मेशन चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी चैनल की जो फीचर्स रहेगी वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे कि अबाउट हो गया, फोटो सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट, फ्रॉम बिल्डर। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आपकी गूगल प्लस अकाउंट देना चाहते हो दे सकते हो, और फॉर्म भी देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पे, और नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी ऐप की डिज़ाइन चूज कर सकते हो, जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, स्लाइड आउट, बॉटम, लिस्ट और डायमंड, फिक्स्ड मैट्रिक्स, इमेज, 3D स्लाइड्स, स्टाम्प, स्क्यू, हाफ लिस्ट, टाइल्स, लाइनर, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लीजिए, हम बॉटम वाला चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की
आइकन देना होता है। आप चाहे तो इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गैलरी से दे सकते हो। मैंने ये वाला आइकन चूज किया है। यहाँ पे आप चाहे तो अपनी एप्लीकेशन की थीम लाइट या डार्क रख सकते हो। आपको लाइट के ऑप्शन में डीप ओशन, डीप ग्रीन, चेरी, डायनामिक सनवॉश, ऐसे कई सारे मॉडरेशन आपको मिल जाएंगे। और डार्क में आप कार्बन मिश्रिक, डायनामिक सनवॉश और ये सारे मिल जाएंगे। हम लाइट वाला चूज करेंगे जो कि है टेक्नोग्रे। यहाँ पे आप बिल्ड माई ऐप पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो, यहाँ पे बेसिक सब्सक्रिप्शन जो होता है एड फ्री एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे आपकी जो है तो 833 रुपीज़ पर मंथ की रेट पर आ जाता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है आपको 100 प्लेटफॉर्म सिर्फ मिलेगा। आप 100 अल्टीमेट एडिटिंग कर सकते हो। नोटिफिकेशन वो 10,000 पर मंथ आ जाता है। आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। यहाँ पे कोई आर नहीं आएगा इस एप्लीकेशन के ओर से। और यहाँ पे आपको जो एप्पीपाई की जो ब्रांडिंग है यहाँ देखने को मिलता है। और मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो आपको हर मंथ 999 मतलब 1,000 के आसपास लग जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्ड प्लान के बारे में, बेस्ट वैल्यू गोल्ड प्लान के बारे में। यहाँ पे अगर आप मंथली पैक लेते हो तो आपको लगभग 1500 रुपीज़ की आसपास आ जाता है। प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ 100 ही रहेगा। नोटिफिकेशन आपको 25,000 के आसपास आ जाएगा। अगर आप इसे ईयरली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर लेते हो तो आपको 1,249 रुपये मतलब 1,250 रुपीज़ के आसपास देना होता है। यहाँ पे यही सारे फीचर्स रहेंगे। और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो प्लैटिनम है, एनुअली पैक लेते हो अगर मंथली खर्च करना पड़ता है 1,665 रुपीज़। यहाँ पे आपको बहुत प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जैसे कि एंड्रॉयड हो गया और iOS हो गया। यहाँ पे एप्पीपाई की कोई आड़ नहीं आने वाली है। आप डिस्क्रिप्शन आप बूथ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रख सकते हो। और इसे अगर आप मंथली पैकेज पे लेते हो लगभग 2,000 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। कोई भी सर्विस आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया। तो अगर आप GST के साथ पेमेंट करते हो तो एप्लीकेशन अवेलेबल आप प्ले स्टोर के अंदर करवा सकते हो। तो ऐसे इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अभी हम टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।